Union Transport Minister Nitin Gadkari today said it will be mandatory for public transport buses to install emergency buttons, CCTV cameras and vehicle tracking devices to ensure safety of women commuters, and the government will issue notification on these norms on June the 2nd. कुछ घटना ऐसी हुई जो चिंता करने वाला विषय था, इसलिए अब हमने बसेस में सीसीटीवी जीपीएस सिस्टम जो व्हीकल ट्रैकिंग कर सकती है और तीसरा जो है विशेष रूप से हमने उसके ऊपर एक बटन के अरेंजमेंट की है, पैनिक बटन, जिसके कारण कोई भी ऐसी पैनिक घटना होती तुरंत वो बटन दबा सकेंगे और इसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम और उसके साथ साथ वो जो उसका कंट्रोल रूम के साथ पुलिस के भी डिपार्टमेंट को जाएगी और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि हमारे देश में जो घटनाएं वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, पर इसके बाद अगर ये सक्सेस देखने के बाद हम बाकी स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो नई बसेस लेंगे देश में उसमें इसी प्रकार के सिस्टम को अनिवार्य करने के बारे में भी सोचेंगे और उसके साथ साथ धीरे धीरे टैक्सीज जो है उसमें भी इस प्रकार के अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसका भी हम लोग सोच रहे हैं, वो भी करेंगे। देखिए, दो साल यशस्वी रूप से हमारे सरकार ने काम किया है और मैं मानता हूं कि ये दो साल हिंदुस्तान के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण साल है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हुई है, हमारी सरकार और प्रधानमंत्री देश के विकास की एक विजन रखते हैं और निर्णय करने की क्षमता भी रखते हैं और इस निर्णयों में बाधा निर्माण करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अड़चने थी वो बाधाएं हमने दूर की है और उसी के कारण सरकार की निर्णय प्रक्रिया गतिशील हुई है। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड सेक्टर में काफ़ी गति मिली है, नए नए सेक्टर ओपन हो रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।